दोस्तों, अगर आप खुद को खतरों का खिलाड़ी समझते हैं तो आज की हमारी ये वीडियो स्पेशल आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम दिखाने वाले हैं दुनिया के 5 ऐसे टूरिस्ट अट्रैक्शन जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। क्लिफ कैंपिंग। दोस्तों, अगर आपको कहा जाए कि किसी ऐसे पहाड़ पर चढ़ना है जो बिल्कुल सीधा हो और आधे रास्ते में पहुंचकर आपको वहां कैंप लगाना है और ज़मीन से हज़ारों फीट बुलंदी पर लटके हुए खेमे में सोना है और रात गुजारनी है, तो आपका जवाब क्या होगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। यसमाइट नेशनल पार्क कैलिफोर्निया क्लिफ कैंपिंग के लिए सबसे मशहूर मकाम है। यहाँ पहाड़ों की बनावट बिल्कुल सीधी है और दुनिया के कुछ सरफिरे क्लिफ क्लाइंबर के लिए ये मकाम जन्नत से कम नहीं है। वो इन पहाड़ों की साइडों पर ज़मीन से हज़ारों या सैकड़ों फीट ऊंचाई पर कैंप लगाते हैं और रात गुजारते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा सिर्फ वही करते हैं जिनके दिल फौलाद के होते हैं। वाइट लाइन सिडोना साइकिलिंग। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी साइकिल ज़रूर चलाई होगी और साइकिल चलाना कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको कहे कि आप साइकिल एक ऐसे पहाड़ पर चलाएं जिसकी सतह बिल्कुल प्लान हो और इंतहाई ख़तरनाक फिसलन हो, तो क्या आप राज़ी हो जाएंगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। अमरीका की रियासत एरिजोना में मौजूद वाइट लाइन सिडोना पहाड़ पर दुनिया भर से सरफिरे लोग साइकिलिंग का मज़ा लेने आते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक दुनिया के इस खतरनाक पहाड़ पर मौत का रक्स करना एक दिलचस्प खेल है। यहाँ आपकी एक ज़रा सी गलती आपकी मौत का सबब बन सकती है। बंजी जंपिंग। दोस्तों, बंजी जंपिंग के बारे में आप सभी जानते होंगे। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि इसमें आपको किसी बहुत ही ऊंचे मकाम से मजबूत केबल्स और बेल्ट से बांधकर नीचे धक्का दे दिया जाता है। न्यूजीलैंड में बंजी जंपिंग बहुत ही मशहूर है और न्यूजीलैंड को ही बंजी जंपिंग का घर कहा जाता है। अगर आप कमज़ोर दिल के मालिक हैं या फिर ऊंचाई से डरते हैं तो आपको इससे दूर ही रहना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर से लोग इस दिलचस्प राइड का मज़ा लेने ज़रूर आते हैं। माउंट एवरेस्ट। दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़। यही वजह है कि हर साल हज़ारों खतरों के खिलाड़ी इस ऊँचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए आते हैं। शदीद सर्दी, तेज़ हवाएं, बदलता मौसम, लैंडस्लाइडिंग और जलजले जैसे खतरात के बावजूद लोगों का इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का जुनून आज भी कायम है। एक्सपर्ट के मुताबिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना इतना मुश्किल नहीं जितना उतरना मुश्किल काम है। एक अंदाज़े के मुताबिक माउंट एवरेस्ट का ये सफ़र अब तक 300 से ज़ायद लोगों की जान ले चुका है। गैप ब्रिज ऑफ चाइना। दोस्तों, इसे डेथ ब्रिज ऑफ चाइना भी कहा जाता है। आपने चाइना के ग्लास ब्रिजेस तो देखे होंगे, मगर चाइना का डेथ ब्रिज उनसे भी ज़्यादा खतरनाक है। इस ब्रिज की ऊंचाई 200 मीटर है और इस ब्रिज पर चलकर लोग अपने डर को मात देते हैं। यूं तो इस ब्रिज पर चलने वाला इंसान सेफ्टी पैड से बंधा होता है, मगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं या दिल के मरीज़ हैं या फिर ऊंचाई से डरते हैं तो आप अपना लाइफ इंश्योरेंस करवा कर ही इस पुल पर चढ़ें। इस पुल से गिरना आम सी बात है, जिससे मौत तो वाकई नहीं होती लेकिन चोट ज़रूर लग सकती है।